नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने नाउन केस का पार्ट 8 लेके आए हैं। इसके ऑलरेडी 7 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देखें, और वीडियो पसंद आने पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों को शेयर करें। तो अब तक हम नाउन के जो पजेसिव केस है उसके बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे पजेसिव केस का निर्माण किया जाता है, और साथ ही साथ किन किन परिस्थितियों में हम पजेसिव केस का यूज़ करते हैं, और साथ ही हमने ये भी देखा था कि किस जगह हम पजेसिव केस का उपयोग नहीं करते हैं। तो आज हम इसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पर स्वागत करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका देखिए, जो रूल नंबर 9 ये कहता है कि व्हाट द पजेसिव इज यूज्ड विद द नेम ऑफ पर्सनिफाइड व्हेन एन एनिमेट थिंग्स हैज एस्क्राइब्ड टू इट द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन, इट इज सेड टू बी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स एज। अब देखिए, कई बार हम क्या करते हैं कि चीज़ों को पर्सनिफाइज कर देते हैं, यानी कि आपने एक अलंकार पढ़ा होगा मानवीकरण, जिसे हिंदी में सॉरी इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, पर्सनिफिकेशन। हम उसमें क्या करते हैं कि जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है उनको भी हम पर्सनिफाइज कर देते हैं या उसको मानवीकरण कर देते हैं। जैसे सपोज चांद है, जिसको भी हम कहते हैं चांद का घूंघट, जबकि घूंघट चांद का कोई घूंघट थोड़ी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी नाउन को पर्सनिफाइड कर देते हैं या उसका मानवीकरण कर देते हैं, उन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं कि एपिस्ट्रोफ लगा के हम एस का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज इसका पहला एग्जांपल देखिए, इंडिया। इंडिया एक नॉन लिविंग है, इंडिया कोई लिविंग थिंग नहीं है। नॉन लिविंग थिंग होने के बावजूद भी हमने क्या किया कि इसका पर्सनिफाइड कर दिया, इसका मानवीकरण कर दिया, इसलिए हम इसमें इंडियाज हीरोज लिखेंगे। यानी कि हम अगर किसी नाउन या नॉन लिविंग थिंग को हम पर्सनिफाइज कर देते हैं या उसका मानवीकरण कर देते हैं, जब हम उसको एक जिंदा चीज की तरह उसको काउंट करते हैं, फिर हम उसमें एपिस्ट्रोप लगा के यूज करते हैं। जैसे इंडियाज हीरोज की भारत के हीरो, नेचर्स लॉ। अब यहां पर देखिए, हमने नेचर को एक कानून की उसकी संज्ञा दे दी कि भाई प्रकृति के नियम, नेचर्स लॉ। तो यहां पे हमने नेचर को क्या किया, इसको पर्सनिफाइज कर दिया। फॉर्च्यून्स फेवरेट, अब यहां पे फॉर्च्यून्स का हमने क्या किया, उसको पर्सनिफाइज कर दिया, उसका मानवीकरण कर दिया, फेवरेट। एट ड्यूटीज कॉल, एट डेथ्स डोर। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि जब हम किसी नाउन को पर्सनिफाइज या मानवीकरण कर देते हैं या उसको हम जिंदा मान लेते हैं, तो भी हम एपिस्ट्रोप लगा के एस लगा के हम उसको पजेसिव केस में चेंज कर देते हैं। अब इसका 10th रूल देखिए, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि द पजेसिव इज आल्सो यूज्ड विद नाउन डिनोटिंग टाइम। पजेसिव का जो उपयोग होता है टाइम को डिनोट करने वाले जो हमारे नाउन हैं उनके साथ में भी हम पजेसिव केस को यूज करते हैं। स्पेस और वेट, इसके साथ भी हम इसको भी हम पर्सनिफाइज मानते हुए तब उसके साथ भी हम एपिस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, ए डेज मार्च। अब यहां पे जो डेज है एक समय को व्यक्त करने वाला शब्द है, इसलिए हमने इसमें क्या किया कि इसमें एपिस्ट्रोफ एफ एस लगा के उसको हमने पजेसिव केस बना दिया। ए वीक्स हॉलीडे, अब यहां पर भी देखिए समय को बताने वाला शब्द होने के कारण इसको हम पजेसिव केस में यूज करते हैं। आगे देखिए, इन ईयर्स टाइम, एक ईयर्स भी एक समय है, समय की एक टाइम की अवधि है। ए ईयर्स टाइम, ए स्टोन्स थ्रो, ए फुट लेंथ। अब ये थी लेंथ डिसाइड दिखाने के लिए, जैसे यानी कि एक पत्थर की दूरी पर, ए स्टोन यानी पत्थर फेंकने जितनी दूर, या ए फुट लेंथ, या भी हम लेंथ को जो जिन शब्दों में हम लेंथ को यूज करते हैं या लेंथ के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उसे भी हम पजेसिव केस में यूज कर सकते हैं। ए पाउंड्स वेट, तो ये सारे जो फ्रेजेस हमने यूज किए हैं ये समय को और जो हमारे वजन है, हमारी लेंथ है, इनको दिखाने के लिए भी जो शब्द यूज होते हैं उनका भी पजेसिव केस बनाया जाता है। द फॉलोइंग फ्रेजेस आर आल्सो इन कॉमन इन, जैसे कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो हमारे यूज में कॉमन है, जैसे कि एट हिज फिंगर्स, एट हिज फिंगर्स,
एट हिज फिंगर एंड्स ए मर्सी सेक। तो ये जितने भी हमारे जो फ्रेज हैं, फॉर ए मर्सी सेक, फॉर हिज हार्ट्स कंटेंट, एट हिज विट्स एंड, तो ये सारे ऐसी फ्रेजल वर्ब हैं जिनके साथ भी हम एपिस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं और इन्हें हम पजेसिव केस में यूज करते हैं। ए बूट्स क्रू, ए बोट्स क्रू, तो इस प्रकार के जो पजेसिव केसेस में भी हम उनको यूज करते हैं। आगे देखिए इसका 11वां नियम क्या कहता है। इसका 11th नियम ये कहता है कि द पजेसिव ऑफ ए प्रॉपर नेम और ऑफ ए नाउन डिनोटिंग ए ट्रेड, प्रोफेशन और रिलेशनशिप मे बी यूज टू डिनोट ए बिल्डिंग और ए प्लेस ऑफ बिजनेस, चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई बिजनेस हो, कोई संस्था हो, कोई धार्मिक स्थान हो, कोई स्कूल कॉलेज हो, कोई ट्रस्ट हो, तो उसके साथ में भी हम पजेसिव केस का यूज करते हैं। जैसे कि शी हैज गॉन टू द बेकर्स। अब यहाँ पे जो बेकर्स जो शब्द है, इसका मतलब हुआ है कि वो बेकर्स के, शी हैज गॉन टू बेकर्स, इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहना चाह रही है कि वो एक बेकर्स के पास में गई है या बेकरी में जाके आई है। तो यहाँ पे बेकर्स का मतलब कोई पर्टिकुलर बेकर नहीं है, यहां पे बेकर का मतलब है बेकर की, बेकर शॉप यानी बेकरी। टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माय अंकल्स, यहां पे अंकल्स का मतलब है कि अंकल का घर, यहां पे अंकल के घर के लिए भी हमने किसका यूज किया, एपिस्ट्रोफी एस का यूज किया। तो शी हैज गोन टू बेकर्स या टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माय अंकल्स। So, आगे देखिए, कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स। अब यहाँ पे सेंट पॉल्स, यहाँ पे हालांकि एक व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे जो सेंट पॉल्स जो यूज हुआ है वो एक स्कूल के लिए यूज हुआ है या एक चर्च के लिए इसका यूज हुआ है। तो यहाँ पे सेंट पॉल का मतलब हो गया सेंट पॉल चर्च। तो उस कंडीशन में भी हम एपिस्ट्रोफी एस लगा के हम पजेसिव केस का यूज करते हैं। आई अटेंड द टाउन हाई स्कूल बट कजिन अटेंड्स सेंट जेवियर्स। अब यहाँ पे जो सेंट जेवियर्स जो आया है हमारे, वो जो सेंट जेवियर जो आया है वो एक स्कूल के लिए आया है, इसलिए उस उन परिस्थितियों में भी हम पजेसिव केस का एपिस्ट्रोफ एस लगाकर यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, ही वाज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स, कि यानी कि उसकी जो एजुकेशन हुई है वो सेंट जोसेफ में हुई है। तो सेंट जोसेफ यहां पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ना होकर एक संस्था का नाम है, एक स्कूल या कॉलेज का नाम है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एपिस्ट्रोफी लगा के एस का यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट रूल देखिए कि व्हेन यू आर इन डाउट। अब देखिए, कई बार हमारे सामने ये ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम इसमें पजेसिव एपिस्ट्रोफी एस लगा के हम इसको पजेसिव बनाएं या नहीं बनाएं। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए कि व्हेन यू आर इन डाउट वेदर टू यूज ए नाउन इन द पजेसिव केस और विद द प्रपोजिशन ऑफ। कई बार हम इस डाउट में आ जाते हैं कि हम एपिस्ट्रोफी एस लगाकर इसको पॉजिटिव केस में यूज करें या ऑफ प्रपोजिशन लगा के यूज करें। तो उन परिस्थितियों में हमको क्या करना चाहिए, रिमेंबर दैट एज ए जनरल रूल, एक जनरल रूल में पॉजिटिव केस इज यूज टू डिनोट पोजिशन और ओनरशिप, दस इट इज बेटर टू से द डिफीट ऑफ द एनिमी दैट द एनिमीज डिफीट। तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए कि डिफीट ऑफ द एनिमी का जो यूज है वो करना चाहिए, बजाय इसके कि एनिमीज डिफीट हम यूज करें। क्योंकि कई बार हम उस चीज को डिसाइड नहीं कर पाते कि अब एनिमी, तो उन ऐसी परिस्थितियों जब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं उन परिस्थितियों में हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करके हम पजेसिव बनाते हैं, डिफीट ऑफ द एनिमी लिखेंगे बजाय इसके कि द एनिमी इज डिफीट, इवन दो नो डाउट एज द मीनिंग वुड अराइज। इसी के साथ ही हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक जय हिंद।